1948 जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पहले राजपूत के नायक जादूनाथ सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। जब वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार लगातार हाथ में हैंड ग्रेनेड लिए पाकिस्तानियों पर चढ़ गया, सर में गोली खाई और शहीद हुए। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। 1965 राजपूतों को फिर महावीर चक्र मिला जब मेजर वलजीत सिंह रंधावा ने पाकिस्तानियों को ब्लैक रॉक से खदेड़ा और 17 मई को शहादत दी। कैप्टन रणवीर सिंह और सिपाही बुद्ध सिंह दोनों को वीर चक्र मिला और जो पोस्ट उन्होंने अपनी जान देकर जीती वो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को गुडविल दिखाने में वापस कर दी। कश्मीर में आज भी राजपूताना राइफल्स का एक एक सिपाही अपनी वफादारी निभा रहा है। हवलदार रणवीर सिंह एक इंच अपने पोस्ट से नहीं हिला जबकि उसका पूरा सेक्शन साफ हो गया था। आज भी उनके लिए रेजिमेंटल ऑनर से बड़ा और कुछ नहीं। सैनिकों की पांचवी पुश्ते आज भी वहां मौजूद है और वो सैनिक अपने राजपूत भाई से पूछते हैं तू किसके लिए मरेगा? राजपूत कहता है अपने पलटन के लिए। पलटन किसकी? राजपूताना की। राजपूताना किसका? भारत का। और ये भारत क्या करेगा तुम्हारे लिए? जब से ये प्रजातंत्र आया है ना, हमारे साथ सिर्फ धोखा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमसे अपील की थी, इधर वन इंडिया, एक भारत के लिए अपने राज्य त्याग दो, हमने त्याग दिया। उन्होंने पैसे मांगे, हमने अपना खजाना खाली कर दिया। वन इंडिया, एक भारत के लिए, कहां है ये एक भारत? डेमोक्रेसी के इतने साल बाद भी ये हाल है कि कोई वोट नहीं डाला चाहता, अपने घर की जमीन को अपना देश बनाकर बैठे हुए लोग। एक सरकार मेजोरिटी में नहीं आ पा रही। अरे हमारी परंपरा है ना, हजारों सालों की थी और जब छीनी थी इन लोगों ने तब भी इनसे अच्छी थी। डेमोक्रेसी के नाम पर हमसे पावर छीन कर खुद वो कर रहे हैं जिसका आरोप इन लोगों ने हम पे लगाया था। फिर भी पटियाला रिपोर्ट में सिर्फ हमारी खामियां, हमारी गलतियां लिखी गई थी और कुछ नहीं। अरे इनकी तो एक चीज नहीं है जो साफ है। आज भी लोग हमें क्यों बना बुलाते हैं, बना इज्जत करते हैं? क्यों? क्योंकि हमने त्याग किया है हमारे लोगों के लिए। जोधपुर के महाराजा ने वल्लभ भाई के सेक्रेटरी के सर पे बंदूक रख के कहा था, देख जोधपुर की मेरी प्रजा से गद्दारी मत करना, इन लोगों ने सबके साथ गद्दारी की। 67 के लोकसभा इलेक्शन में जब राजकुमार खड़े हुए चुनाव के लिए, तब क्या हुआ? राजस्थान में कांग्रेस का पत्ता साफ। पूरे देश में 24 राजकुमारों को लोगों ने चुना, तब क्या किया इन लोगों ने? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई, हमारे शाही बत्ते बंद कर दिए, हमें दी जाने वाली एक एक सुविधा को हटा दिया गया, हमें इन लोगों के सामने झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी। हम हार गए क्योंकि हजार साल के बाद भी हम आपस में लड़ रहे थे। अब ये सब खत्म, बस। अगर हमें अपनी जमीन चाहिए तो एक होना पड़ेगा, राजपूतों को इनसे बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। अ पेट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड दिस कंट्री अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट। जंग छेड़नी है हमें, आजादी की जंग, अपनी जमीन की जंग, और उसके लिए हमें पैसे चाहिए, सेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपना खून बहाना पड़ेगा। जो आप अपना खून बहाने के लिए तैयार नहीं है तो सपना देखना बंद करो, ये साकार नहीं होगा। हमारी जमीन, हमारी इज्जत, हमारी आन हम वापस नहीं ला पाएंगे। और अगर आप एक होने के लिए तैयार हैं, अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, तो एक साथ एक आवाज में बोलिए, वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा, जय राजपूताना। मेरा दादा नूर मोहम्मद यहाँ के राजा का नौकरी करता था, राजा की लौंडिया से प्यार हो गया, हरामी ने नमक में डुबो के मारा था, हड्डियां तक नहीं मिली थी उसकी। वहां जाना हमको, दाएं वो सामने
वो अंग्रेजों की दारू का अड्डा था। अंग्रेज बाहर बोलते थे उसे। कमाल है यार, अंग्रेज चले गए बाहर छोड़ गए यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सुतरे, अरे काम मर गया, काम के समय पता नहीं कहाँ निकल ले वे। छोटे चौमासा तो कोई ग्राहक आवे। सुतरे आओ सुतरे। रेलगाड़ी कब तक छोड़ने आती है? अच्छा एक बांसुरी वाला रहता है, क्यों रहता है ये पता नहीं, आप भी रह लो। मैंने तो उसे बजाते हुए देखा है, बेचते हुए तो देखा नहीं। काम क्या है, नाम क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है, हर सवाल का एक ही जवाब है, यूइंग। 69 लिखा है जी, 1 कम 70। अच्छा ज्यादा आगे से राइट मत लीजिएगा जी, क्योंकि है ही नहीं। यहाँ कोई और भी रहता है? हाँ, देशराज कॉलेज का लड़का है, बढ़िया स्टूडेंट है। राजपूत है? असली। नाम क्या है? रणंजय सिंह। शराब पीते हो? जी हाँ। सिगरेट भी? हाँ जी, आवारागर्दी भी करता हूँ, लौंडियाबाजी भी करता हूँ, और कोई चुतियापा करे तो उसको दे भी देता हूँ। गन है मेरे पास, छर्रा छूट जाए तो अंदर घुस जाता है। ये लड़का ठीक नहीं है, ज्यादा साथ साथ मत रहना। वार्डन से हम बात कर लिए हैं, हॉस्टल की लिस्ट लगातार चेक करते रहना। 6 महीने का किराया दिए हैं, बाकी पैसा भंवर के पास है, जितना लगे उतना लेना, ठीक है? साइकिल ले लेना। हनुमान जे नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। लगता तो बहुत बड़ा है, उम्र क्या तेरी? 28। कितनी बार फेल हुआ? कभी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो यहाँ क्या पढ़ाने के लिए आया अंकल? लॉ करने आया हूँ। लॉ? जब कोई कुछ कर नहीं पाता तो लॉ करने चला आता है। लेगा? नहीं। मेरी लेगा? क्या फटते रहे तेरी साले। ओए झंडूस, तू खबरी है इसके भाई का? क्या परेशानी है? कुछ भी बोला तो पता है क्या करूंगा? क्या? जला बताता हूं। पंखा देख रहा है ना? कितने झलने उसमें? 3। तुझे लटकाए तो कितने होंगे? अबे 2 हाथ 2 पैर कितने होंगे? 4। सर क्या तेरा बाप गिनेगा साले? चल जा सो जा। अबे चल बे, तू मेरे साथ चल। कहाँ? लाका। लगे बड़ा मसालेदार। मन बोल चकमक है, चकमक है, चकमक 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 है। बेड़ा
पापा बीकानेर से। अच्छा वहाँ कहाँ जा रहा है? वो हॉस्टल का पता करने। हॉस्टल जी है? जी हॉस्टल जी है? जी वैसे भाई साहब ने वार्डन से बात की है। अच्छा 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 हॉस्टल चाहिए तो मेरे पास आना, कोई भी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आना, डरना नहीं है। कोई भी अंदर कुछ बोलता है बोल देना, ठीक है? चल भाटी नाम है मेरा, राजेंद्र भाटी। जय श्री राम जी, मुझे वार्डन से मिलना है। 237 बोलो जी। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मुझे हॉस्टल के लिए वार्डन से मिलना है। नए हो जी? पढ़ते हो या पढ़ाते हो? नहीं पढ़ता हूँ। लो आ जाओ। जी
जी मुझे वार्डन से मिलना है। अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ बे। कुंडी के तेरा बाप मरेगा, बंद कर। इधर आ। कल तू लाके आया था, तेरे चश्मे का पावर कितना है? जी अंधे के साथ बहरा भी है। चश्मे का पावर कितना है? -2। हिंदी में बोल। -2। माइनस भी हिंदी में बोलना। घटे दो। दोनों घटे तो बचे क्या चूतिये? नाम क्या तेरा? दिलीप। दिलीप क्या? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार सिंह। बाप का नाम बोल। राघवेंद्र सिंह। कहाँ से है? बीकानेर। कितनी भैंसे हैं घर पे? 7। अबे तबेले पे नहीं, घर पे चूतिये। तुझे किसी ने रोका नहीं क्या? तू इतने लंबा कैसे हो गया? अरे मैं बताऊं? बताओ। जरूर इसमें कानून का हाथ है। जी मैं चलता हूँ, मुझे वार्डन से मिलना। अबे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं बे। इसको बिटाल दो उसके साथ। होंगे और नहीं तो क्या? उठा उठा उठा। सुने, प्लीज दरवाजा खोलिए। भैया प्लीज प्लीज उधर देखो, इधर मत देखो। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा, ढूंढ और फिर मुझे फोन कर। एक दिन और रुक लो। नहीं नहीं, उसके भाई को सुनकर ही हार्ट अटैक आ गया है। मैं भी काम बीच में छोड़ के आ रहा हूं। कॉन्डोम तक नहीं उतारा है। साला नौटंकी कर रहा है। इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। प्लीज चिल्ला साला, चिल्ला साले मौत मौत साले, कहाँ से खून निकाल रहे? चिल्ला हाथ छोप, हाथ छोप मारेगा। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। हे चाप, फिर से चिल्ला ना तो अभी तो सिर्फ नंगा किया है, धंधा खोल दूँ मैं दर साले। और ये लाइट नहीं बंद होनी चाहिए, फोड़ दो साले। मैं चल कैमरा रे, देखना लाइट नहीं बंद होनी चाहिए। कौन कर सकता है ये? कुछ पता नहीं चल रहा है कौन कर सकता है। क्या नाम बताया तुमने अपना? किसका? अपना भवत सिंह। फोन आया मुझे कि फला फला जगह पे एक लड़का गिरा पड़ा है, तो फिर मैंने इनको बोला। तुम पहचान सकते हो? अनु, तेरे बाल, तू सिगरेट पी रही है अनु? वार्डन को पता चल गया तो? तो हेलो,
कैसी हो बेटा? ठीक तो हो ना? अरे मैंने फोन किया था 3 दिन पहले। हाँ वो कोई नई टीचर्स का इनिशिएशन था। अच्छा अच्छा। बेटा राजपुर कैसा है? अनु बेटा क्या बात है? बहुत ठंडी जगह है पापा। अनु सब ठीक तो है ना बेटा? पापा बोल बेटा, मैं आऊँ क्या? पापा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हंस क्यों रही हो तुम? अगर दोबारा हंसी ना तो इसी फोन से सारे तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, तुम्हारे भी। ये तो कुछ भी नहीं है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इससे भी बुरी रैगिंग होती थी। बाथरूम में उल्टा टांग के फ्लश चला देते थे, ब्रेन वॉश कहते थे उसे। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, ठीक है? तेरा भाई पैदाइशी उल्लू का पट था या उसने कोई कोर्स किया था? भूल जा। अबे ऐसे कैसे भूल जाएं? जड़वाल। अबे इसकी माँ की क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? हॉकी से मारेगा? ये तेरे लिए है, मेरा हाथ काफी है। मुझे नहीं जाना। तो क्या सत्याग्रह करेगा? मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कॉलेज में नंगा घूमना है, और जो नंगा करे उसे अपने सर पे बिठाना है, उसे हाथ मिलाना है, पेशाब करवाना है। साला तेरा भाई क्या तू भी उल्लू का पट्टा है? तू चलेगा अभी, चल उठा इसे। मुझे मारना नहीं आता। मार क्यों रहा है? मारना नहीं आता तो मार खा। बंजा मैं मार दूंगा। अबे तो बोलता क्या है चूतिया, मारना मार। ए, मार बस्ता को। अबे तू दूस। तेरी साले। चल चल जा तू आलू छील। चल आलू छील। चल आलू छील। सॉलिड था। चल भौकी से उठा, चश्मा बांध ले फीते से। चरवाल ये लो खाड़ में। चरवाल अरे या तो हाँफ ले या बोल ले। हाँफ हाँफ के मत बोल, क्या हो गया? रनसाया तो हॉकी स्टिक उसके पास। और क्या है उसके पास? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है? हाँ। गाड़ी है, बंगला है, मोटर कार है, पैसा है, और क्या है उसके पास? मेरे पास माँ है। चढ़। बचेगा नहीं जड़वाल। बनियान डाल साले के मुंह में। अंदर डाल साले को। नहीं, नेट। हेले अर्सुन दोबारा इधर मत देखना, आगे हवा भरवा लेना। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं? सुनो जब तक हाथ मुंह धो लो तुम लोग, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान ही है वो तुम्हारे लिए इस वक्त। हमारे दिल में है,
पानी साफ है ना? बिस्लेरी का कुआं खुदवाया है तुम्हारे लिए। ओरे बिस्मिल काश वाते, आज तुम हिंदोस्तां, देखते कि मुल्क सारा एक्शन में फिल्म है। आज का लौंडा ये कहता, हम तो बिस्मिल थक गए। अपनी आजादी तो भैया लौंडिया के तिल में है। आज के जलसों में बिस्मिल एक गूंगा गा रहा, और बहरों का वो रेला नाचता महफिल में है। हाथ की खादी बनाने का जमाना लद गया, आज तो चड्डी भी सिलती इंग्लिशों की मिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पृथ्वी जी, दुखी बना के भाई, तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। जय हो। बस बस बस। ये आप हैं? ये तो वो है ना, हिजानेस इमेजिन सिंह जी। लेकिन साला बहुत ही बेवकूफ आदमी था, मतलब साला प्यार व्यार की बातें किया करता था। हम इमेजिन लोगों को ना क्या सबको एक साथ एक एक जगह रहना चाहिए, मतलब कोई कंट्री वंट्री कुछ नहीं, नहीं? मतलब साला गोल चश्मा पहनता था और तभी अहिंसा की बातें किया करता था। ये सारे गोल चश्मे वाले एक जैसे थे, सबके चश्मे गोल थे और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग भी गोल थी। आपका चश्मा भी तो गोल है ना मास्टर जी। हाँ है ना, तभी तो कुछ सुनता नहीं हमारी। बना, आप अंदर जाइए। डुकी, देखना जरा ये। आप जाइए। चलो। तूने इलाका पे मारपीट की थी ना? जी हाँ। बना, ये वही है जिसका छपा था अखबार में, नंगा मिला था ना ये। राजपूत है तू? जी। काहे का राजपूत? देना चाहिए था साले के मुंह पे। दो देने गए थे बना, लेने पड़ गए। बंदूक था उसके पास। बंदूक से डरते हो? जी। औकात नहीं है उसकी बंदूक चलाने की, दिखाता फिरता है साला। मंगलू के बाद पकड़ उसको, डिनर के बाद खोपड़ी खोल दे उसकी। यहाँ पे क्यों आए आप? अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। आपकी बेटी नहीं है ये। करण, और ये भीख अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। और इस घर में तब आना जब दुनिया के सामने कहने का दम होगा ये आपकी बेटी है। भैया, अंदर जाओ, अंदर जाओ। जाइए आप। सुनिए, यह आदमी इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। मेरा वाला सुन गया। एक एक और काल है दुखी बना का, अच्छे से संभाल रहा है ना? दे, माचिस छोड़ दे, जलाता हूँ। सिगरेट पिएगा? पी ना। चले। मैं पिएगा? चल ठीक है।
आ रहा है बे। पड़ेगा, हर जगह ढूंढ रहे हैं हराम के जने। बोल रहा था ना, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। चुपचाप बैठा रह। देख, हीरोइन कपड़े उतार रही है। तुम लोग खुद बाहर चलते हो या? बिना बुला रहे हैं, आजा। तुम लोग यहीं रुको। तुम लोग यहीं रुको, मैं बना से बात करता हूँ। बना, ये सब क्या हो रहा है? बना, इसने जडवाल का सर खोल दिया। क्यों? बना वो क्या, उसने इन दोनों को टांग दिया उल्टा बाथरूम में। जी। ब्रेन वॉश किया। जी। जब खत्म करो, अब मैं करने पे आया ना, जडवा को पूरा खोल के चौराहे पे लटका दूंगा। क्या समझा? जी। नजीबुल्ला का टांगा था ना काबुल में, तू बस पैदा हुआ था तब। जी। क्या पैदाइश भूल तो नहीं गया तू? इज्जत से छोड़ देने को। चल पार्टी, उनको लेके। मैं चाहता हूँ तू इलेक्शन में खड़ा हो हमारी तरफ से, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे। मैं नहीं, नहीं, चुनाव होना मेरे बस की बात नहीं। तू खड़ा तो हो राजपूताना पार्टी की तरफ से, क्या होगा उससे? हमारी यूनियन बनेगी। फिर क्या? हम करेंगे जो हमें करना है। क्या करना है यार? तू सवाल बहुत करता है। मैं जो कह रहा हूँ करना। तू तो पीता नहीं होगा। नहीं। और मुझ पे भरोसा भी नहीं होगा। बिटुसा कोई आयो है? सोने देना मवर। कोई गाड़ी से घर में आयो है? रंसा का, रंसा को बोलना। कौन हो तुम? यहां कैसे आए? जी मैं यहां रहता हूं। ये राजा साहब की प्रॉपर्टी है। मैं किराया देता हूं, मैं और रंसा। रंसा? रणंजय? तुम हिजाइनस के बेटे हो? किस बात का हिजाइनस? दुनिया कहां से कहां जा चुकी है, डेमोक्रेसी नहीं बची यहां पे, बैठ के अभी भी एरिस्टोक्रेसी चाट रहे हैं। कोई फर्क है इनमें और डुकी बना में? कोई फर्क नहीं है, थैले भर नहीं है। किले में रिसॉर्ट बना रखा है, फिरंगी औरतों को चाय पिलाते हैं, चाहते हैं मैं भी यही करूं। राजा साहब, तो मेरी शक्ल देखने के लिए आए थे? देख ली तो जाऊं, चट रहा हूं यहां बैठे बैठे। मैं कभी भी मर सकता हूं। मैं भी जीना छोड़ दूं। रंसा, तू चुप कर। और इतनी सारी प्रॉपर्टी का क्या होगा? सरकार को दे दीजिएगा, म्यूजियम बना देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ही के कारण राजपुर में टिका हुआ हूं। जिस दिन मेरे पास ये सब आया, बेच बाज के कहीं चला जाऊंगा। मुझे अमर चित्रकथा में नहीं जीना है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, जब आप मरेंगे चिता में आग देने आ जाऊंगा। चलता हूं। चल दिलीप।
चलना। लेट क्यों नहीं जाता? सिगरेट पीना मना है यहाँ पे, लेकिन तुम पी सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मेरे साथ हुआ है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं समझ सकती हूँ अनुजा, दुखी बना पार्टी बना के क्या करना चाहता है? पता नहीं। चुनाव लड़ना है तो बड़े लेवल पे लड़े, कॉलेज का इलेक्शन जीतने से क्या होगा? यूथ, यूथ चेंज करता है समाज को। अरे लेकिन ऐसा क्या चेंज करना चाहता है वो? कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ जो बाकी के देश में नहीं है? देख, तुझे इलेक्शन लड़ना है तो लड़, नहीं लड़ना है मत लड़, पर सवाल मत पूछ। ये सवाल से सबकी फटती क्यों है? क्योंकि कोई जवाब नहीं, इसलिए। तू घबरा मत बेटा, मैं चुनाव लड़ूंगा, अपने लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, समाज के उद्धार के लिए, समझा? कॉलेज में बिजली पानी लेके आऊंगा, जैसे हमारे देश के सभी नेता ईमानदारी से काम करते हैं, उनसे भी ज्यादा ईमानदारी से काम करूंगा। और पराई औरतों की तरफ तो कभी आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। क्या बात है। हाय दिलीप। संजीव, चलो, जड़वाल ने किसी का घर तो बसाया। एक सेकंड के लिए मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? हॉस्टल के लड़के तुम्हें देख लेते तो। बचा क्या देखने को? यहाँ रहते हो तुम? ये क्या है? बुरी आदत है, गांजा, वीड, ग्रास, बुरी आदत है। कैन यू पास मी द आश्रय? प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इस किरण के जीतने के पूरे चांस है बना। लॉ की स्टूडेंट है बना। लॉ का रिजल्ट अभी तक आया नहीं ना? सोच क्या रहे हो बे? काटो पतंग उसकी। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। आंसर नहीं होगी तो नंबर नहीं देंगे। 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं हुए तो चुनाव में खड़ा होने नहीं जाएंगे। बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। मैं खड़ी हो रही हूँ चुनाव में, आप रंसा को क्यों नहीं बोलते ड्रॉ करने के लिए? हमेशा हम ही क्यों? हेलो, हाँ बोलो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। बदले में अपना नाम दोगे? क्या बोले? बोलती बंद हो गई तेरे बाप की, तेरी आंसर शीट गायब हो गई। गायब हो गई है? नहीं लाया, लिख देना। ओ, तेरे गिटार का तार टूट गया था ना? ये लगा देना। की बना कहाँ है? क्यों? सवाल का जवाब दे। इधर हाथ छोड़। देख बात क्या मुझे पता, ऐसा चिल्ला के मत बोल, समझ गया ना? समझता क्या हूँ अपने आप को? हिज हाइनेस से मेरे नाम पे पैसे लेने का मतलब? मतलब है ना? अब भाई इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा। सुन चुका हूँ। सुन चुके हैं, कहा ना 50 बार सुन चुके हैं। सुन चुके हो ना, लेकिन समझे नहीं हो ना। समझ के सुनो। इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। बना अंदर जाओ। जा रहा हूँ। अपने बाप से मैंने 5 पैसे नहीं लिए आज तक, तुम लोगों ने कैसे ले लिए? तेरा बाप कौन है? सब पता है तुझे, सब पता है। भाई बनता था तैरने में उस्ताद शहर का, कर गोमती को पार तेरी माँ। चुप। बड़े हाथ चला तेरे। हाथ पर रख साला। हेलो। सा, बना अंदर है? बना। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हो कौन तुम साले? हिज हाइनेस के पास जाके कहाँ हो पैसे? मेरे पास है, क्यों? तुमने पैसे लिए कैसे? तुम्हें पहले से मालूम था कि मैं कौन हूं? मुझे नहीं मालूम था तुम कौन हो। हमने पैसे नहीं लिए तुम्हारे, हिज हाइनेस खुद आया था हमारे पास, उन्हें खबर मिली कि तुम इलेक्शन में खड़े हो। असली राजपूत जो है हमसे बोले, देखना हमारा बेटा जो है इलेक्शन में हारे नहीं। हमने कहा ठीक है, बस पैसे रख दिए, चलते बने। वो पैसे मुझे वापस चाहिए। भाटी
देख सोच ले हमारे छू के रही उसको खाएगी क्या उसको कितनी बार बोला तुम्हारे दांत और नाखून को अपने पास रखो तुझे ला क्यों रहा है एक दूसरे ना बोल नहीं पाएगी तू बाहर निकल ये मेरा पार्लर है बाहर निकल हाँ ठीक है ऐसे चलाएगा ना तो बाहर निकाल दूंगी तू पानी लेने गई थी ना कहाँ है पानी तुझे ला क्यों रहा है पानी लेने गई थी ना पानी लेके क्या हुआ कहाँ है पानी खुद जाकर ले लो अब क्या हुआ बाहर वीडियो पे मेरा शो चल रहा है सीरियल खत्म होने के बाद जाऊंगी देख तेरा वो डीवीडी है ना मैं कटर में फेंक दूंगा कह रहा हूं मैं हीरोइन शो खत्म होने के बाद जाती है तूने बताया इसे मैंने सीरियल में काम किया था मैं हीरोइन थी पता है सीरियल टीवी पर नहीं आया चैनल बंद हो गया और मैं यहां ये मुझे बहुत मारता है पता है सच्ची सही करता है हाँ हाँ पांच निकाल के दे दे उसको बोल देना ना हिजाने से उतने दिए थे मेरी बात करा दे उनसे बाद में अपना नंबर देना देना अपना नंबर पता देता हूँ ना लेकिन अभी नहीं अभी जा बैठ वहां पे चल हटा जा उधर तू घर जा भाटी पैसे लेके पहुंच जाएगा और इसे दिमाग मत खराब किया समझा क्या जरूरत थी वहां जाके चिल्लाने की तू मैं बनाया हम लोग हमारी कोई इज्जत है चलो कोई बात नहीं कहीं गुस्से में इलेक्शन से विड्रॉ तो नहीं कर रहे तू नहीं पक्का अच्छा लड़का है तेरी तू दोबारा से चिपकी ना नंगा मुजरा करवाऊंगा मैं पूरे राजपुर में दोबारा यहां मत आना अगर आए ना तो मैं चली जाऊंगी खाने में क्या है ये आप ठीक नहीं कर रहे वो छोरी अच्छा के गांजा पीवे है ठाकुर साहब को पता चल गया तो ज्यादा नमक मत डालना महावर जी हेलो क्या हुआ बे तू तो घर पे आने वाला था ठीक है मैं आता हूं चलेगा डुकी बना क्या पैसा लेना है अपनी मरा रहा था साले बना मैं कुछ भी नहीं कर पाया बना मेरे पैर के बीच में मोटरसाइकिल थी रंसा उधर गया था पता नहीं कुछ दिखाई भी नहीं दिया बना पुलिस को फोन करूं पानी पिलाना ये रंसा कहां है तुमको नहीं पता है बना जड़वाल का है चार दिन से उसको किसी ने नहीं देखा रणसा को किसने उठवाया मुरारी हमको कुछ नहीं मालूम है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मुझे इतना डर क्यों लगता है रणसा साथ में नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं बना मुझे नहीं पता रंसा कुछ ने उठाया मैंने नहीं उठाया
और ना ही मेरे लड़कों ने। अगर आपको कोई समस्या है तो बता दीजिए। मुरारी की दोनों उंगलियां गल गई हैं, मेरा सर फटा है, हम आपसे नाराज भी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ बात है जो बताना जरूरी है। यह आपका भाटी वाटी आए दिन हमारे लड़कों को मारता है, जो सही नहीं है। जब यह सब हुआ मैं यहां नहीं था, गांव गया हुआ था। चुनाव के बीच में मेरे नाना गुजर गए। मुझे रनसा को उठाने में मजा नहीं आएगा। जब उसको 5,000 वोट से हराऊंगा और सर मुंड के गधे पे घुमाऊंगा तब मजा आएगा मुझे। तेरी मां, ए चूतिया मुंह बंद कर, बाहर छोड़ के आ उसको। रणंजय, 5 साल के बाद हिजाइनस रणंजय। बाप की जगह लेनी है कि नहीं? तेरा बाप मर गया कि जिंदा है अभी? चुतिया, मुंह चलाने के बजाय हाथ चला दे फॉर्म पे, अच्छा है तेरे लिए। इलेक्शन से विड्रॉ कर ले। तेरा बाप मर गया कि जिंदा है अभी? वो ना जाएगा नहीं यहां से। तो सच है ना, उसने तेरी मां से शादी नहीं की। तुम दोनों भाई बहन हरामी हो ना। आखिरी बार पूछ रहा हूं, विड्रॉ करता है कि नहीं? तेरे बाप ने टाइम पे विड्रॉ कर लिया होता तो तू हरमजदगी से बच जाता ना। भगत की बात बताए एक भगत की, जब शहर हमारो सो गया थो रात गजब की। एक भगत की बात बताए एक भगत की, जब शहर हमारो सो गया थो रात गजब की। जहू और सगोर दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओले खून नहाई रे। जहू और सगोर दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओले खून नहाई रे। सब औरो गुलाल पुत गयो सब औरो में, ए सब औरो गुलाल पुत गयो बिपदा छाई रे। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। सराबोर हो गयो शहर और सराबोर हो गई धरा, सराबोर हो गयो रे जत्था इंसानों का पड़ा पड़ा। सभी जगत ये पूछे था जब इतना सब कुछ हो रहे थो, तो शहर हमारा काहे भाई साहब आंख मूंद के सो रहे थो। वो शहर ये बोलियो नींद गजब की ऐसी आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। सन्नाटा खामोशी अनजानी जिंदगी
कुछ लोगों ने उन्हें गोली मार कर रखा था। लेती है करवटे तूफानी गिरते हैं साए घेरे से मुखे वालों को भी घेरे से बढ़ते हैं घेरे पिशाचों से आप के नाचों से कहीं पे वजूदों की खटखट है कहीं पे अलावों की चटपट है कहीं पे है झींगुर की आवाजें कहीं पे वो नलके की टप टप है कहीं पे वो खाली सी खिड़की है कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है कहीं कुछ मुंडेरों पे रखा है रे आप नहीं जा सकते रे रे क्या मना किया ओ मेरा भी बाप था वो सुनसान गली के नुक्कड़ पर मना किया मैं कुछ नहीं कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है जब लैंप पोस्ट की गंदली पीली धूप रोशनी में कुछ कुछ सा होता है जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर घुमसायों में खोता है उनके खंभों को गाड़ी का गर्म उजाला दिल में लोता है तब शहर हमारा सोता है तब शहर हमारा सोता है तब शहर हमारा सोता है साइन कर क्या है साइन कर कहां यहां 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 जिनकी वजह से आप यहां हैं उनका सपना क्या था राजपूतों का राजस्थान अगर वो लड़की जनरल सेक्रेटरी बन गई तो अच्छा नहीं हुआ है ना रणसा को मारकर
उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। उनके दोस्त हम सफर साथ में रहने वाले दिलीप सिंह उनके नाम पर उनके दिए हुए वादों को पूरा करेंगे। दिलीप सिंह जिंदाबाद, दिलीप सिंह जिंदाबाद। वोट काउंटिंग के समय तुम अकेले होते हो? सब लोग होते हैं बना, हर उम्मीदवार का एक एक आदमी होता है। उसे दिखाना पड़ता है कि हम सही वोट सही डलिया में डाल रहे हैं। जब डलिया भर जाता है तो उसे पीछे ले जाकर काउंट करते हैं बना। 50-50 वोटों का गट्ठर बनाकर काउंट करना पड़ता है बना। रंसा मेरे दोस्त थे, मैं वही करूंगा जो वो चाहते थे। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। मैं दिलीप सिंह के 40 वोटों का गठर बनाओ, उसे 50 गिना जाएगा, ठीक है? लड़की के 60 वोटों का गठर बनाओ, इस तरह 60 और 40 के बनाते जाओ। जब 500 पहुंचेंगे तो लड़की के होंगे कितने? 600 और दिलीप के 400। सबके गठरों की गिनती होगी बना। फाइनल काउंटिंग में अगर ज्यादा आया तो सबके सब पकड़े जाएंगे बना। फाइनल काउंटिंग में सिर्फ गट्ठर गिनते हैं मेरे भाई। हाँ, अगर लड़की ने रिकाउंटिंग के लिए अपील की तो चुनाव संहिता के हिसाब से सिर्फ गट्ठर गिन सकते हैं, खोल नहीं सकते उसे। उनको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन जीत सिर्फ दिलीप सिंह की होगी। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, भूनती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। राजस्थान की सारी मक्खियां आई हुई हैं डुक्की बना की पार्टी में। तुम जरा ये रुको, कड़ी खम्मा कनेक्ट। बधाई देने आया हूँ आपको, मुबारक हो। आपकी जीत राजपूतों की जीत है, भले छोटे तौर पे सही, मगर जीत तो जीत ही होती है। कुछ पी और पियेंगे? हाँ, मैं खुद ही लेना था। माफ कीजिएगा, बिना बुलाए चला आया हूँ। ये तो आपकी पुरानी आदत है। हाँ, आप इनको पिलाओ भाई। एक रिपब्लिक दे पानी। जी सर। राजनीति समझते हो? जी। राजनीति क्या होती है पता है तुमको? पॉलिटिक्स। दिलीप, मैं किरण। जानता हूँ। मैं आपसे जीत नहीं सकी, पता है मुझे बहुत कुछ करना है। हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बोरिंग है, मेरे पास बहुत आइडियाज हैं। जी। मैं अपनी पार्टी छोड़कर आपके साथ जुड़ सकती हूँ, मुझे अपने कैबिनेट में रख लो। कैबिनेट तो ऐसे बोलिए जैसे विधानसभा में खड़ी हूँ। मैं कल्चरल सेक्रेटरी बन सकती हूँ? बात करता हूँ।
आपको वार्डन ने बुलाया है। सुनो, जरा इसे खोल दो। खुला तो है। नारी की औलाद साला भाग। क्या यार, मैंने यहीं के रखा था, मैं रख के भूल जाता हूं। एक मिनट, क्या क्या एक मिनट क्या यार, जब मैं रख के मैं यहां रख के गया था यार, मैं क्या रख के गया था, मैं एक मिनट चुप, शांत हो जाओ। क्या ढूंढ रहे हैं आप बना, क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या है उसमें? दाता ने तुमको दिया था यार, जो मैंने तुमसे चुरा लिया था यार। कितने साल पहले की बात है यार, तुम शुरू से उसे चुराने की कोशिश कर रहे हो, लगातार उसे लेने की कोशिश। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ऐसे कटा हुआ होता ना यार, वो पहले उसे काटते हैं, उसे काट के ले लेते हैं, मतलब पहले वो किसी और चीज का होता है, उसे काटते हैं, काट के ले लेते हैं। वो जो चेहरे पे नहीं समझ रहा हूं, एक काम करो, तुम वहां ढूंढो, मैं यहां ढूंढता हूं। अगर तुम्हें नहीं मिला तो जाना होगा, ठीक है? मुझे जाना पड़ेगा। हां चलो, ढूंढ लोगे तो फिर मैं जाऊंगा, तो उसको लेकर जाऊंगा अपने साथ में ना। ये देखो, हां ठीक है, वहां ढूंढो, तुम भी ढूंढो। हाँ? देखना, ढूंढना जरा कि जो है, मैं बता रहा हूँ कि वो होगा यही कहीं, वो तुम्हारे पास में होगा, और कहीं हो भी नहीं सकता, बताऊँ तुम्हारे पास में हो सकता है और कहीं। क्या चाहिए इन्हें? पता नहीं यार, मैं बता रहा हूँ यार, वो होगा यही। डुकी मिल गया बना। मिला यार, क्यों बार बार परेशान कर रहे, पूछ पूछ के यार। मिल गया होता तो मैं ढूंढ रहा होता अभी तक। क्या जी? अरे अरे, तू अंदर आ, तू बात सुन, तू चल, निकल, मार डालूंगा मैं। अब उसको भगा दिया तुमने, कम से कम मदद ही करता वो। अरे इसमें ना, इसमें ना, अरे वो डस्टबिन है बना, उधर मत जाइए, मालूम है डस्टबिन है बना, वो कचरा है, मालिक है ना इसमें बना, प्लीज, तुम्हारी आंखों के सामने। हाँ मिल गया ना, तो लेके निकलो, निकलो निकलो, मिल गया, बाकायदे देखो। दोबारा मेरे साथ इस तरह मजाक मत करना। आप चलिए चलिए राधा, सिर्फ कहानियों में रह गए डुकी, सिर्फ कहानियों में रह गए मालूम। क्रांति इस जिंदगी में आजादी नौ राज्यों में हार को मुख्य कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस को इन चुनावों में हराने वाली स्वतंत्रता पार्टी और जनसंघ के पीछे बना ही महाराजाओं का हाथ रहा है, और उनमें से बहुत से चुनावों में खड़े भी हुए अपनी पूर्व प्रजा के। डुकी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसको बस चुनाव जीतना था, उसने जीत ली। मुझे पता है, रंसा का भी सिर्फ नाम इस्तेमाल किया उन्होंने। उस दिन पार्टी में ऐसा लग रहा था कि मैंने नहीं, उन्होंने चुनाव जीता। बिट्टू साहब। हाँ अनुजा जी आई हैं। तो बिठाओ उनको, सामान के साथ आई हैं। रात भर हॉस्टल नहीं गई, जाने को बोला उन्होंने। तुम रात भर हॉस्टल नहीं गई, क्यों? क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ तुम यहाँ रह सकती हो, इस कमरे में। ऑफ कोर्स अनु, पर मैं लेता हूँ। तुम उसे कैसे जानते हो? वो मुझे समझ में नहीं आती। She loves you. नहीं। Sure? हाँ उस दिन मैं। Shh. No, what else? I don't want to know about it. ठीक है, उससे बोल, मुझसे आकर मिले। ठीक। लेकिन बना, वो लड़की जडवाल के साथ है। वो जडवाल का ग्रुप छोड़कर हमारे साथ आ रही है, प्रॉब्लम क्या है? फेस्टिवल में एक लड़की जितना पैसा ला सकती है ना, तुम लोग सूंघ भी नहीं सकते। ये बस रख के देखो, कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बना इसका का? हाँ वहाँ रख दे जी बना। देखो किरण, कुछ नहीं होगा, मैं सबसे बात कर लूंगा। तुम आओ, यूनियन ऑफिस ज्वाइन करो। ओके,
All the best. Thank you. Mention not. Thanks. तुम्हारी शॉट है? रंसा की. अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? शादी कर लेंगे. Be serious, Dilip. Seriously, शादी कर लेंगे. क्या हुआ? मुझे शादी नहीं करनी दिलीप. तो अभी थोड़ी कर रहे हैं. कभी नहीं करनी. And I don't want to get pregnant. ये क्या है? क्या? ये. कुछ नहीं. दो दिन हो गए हम लोग कमरे से बाहर नहीं निकले. तो आदर्श ढूंढ रहा होगा. एक तो खुद बोलते ऑफिस नहीं जाना, उन लोगों ने रंसा का नाम इस्तेमाल किया है, और अब ये. तुम भी ना. काम तो करना पड़ेगा ना. भैया भी जीएसटी है. काम आम कोई नहीं करता, बस पैसे बनाते हैं. पैसे फेस्टिवल में. एनुअल फेस्टिवल होता है. असली पॉलिटिक्स वहीं पे होती है. मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? पागल हो क्या? तुम्हें तो जैसे बहुत पता है. शट अप किरण. शट अप क्या? You realize we didn't use anything. अच्छा ठीक है ना. हाँ. कोई भाटी साहब आए हैं. बैठाओ उनको, मैं आ रहा हूँ. हाँ बोल भाटी. बात करनी है तुझसे. हाँ बोल. बनाने कुछ बोला था तुझे? याद है. मिलने बुलाया? वो खुद नहीं आए. कोठी पे बुलाया ना? आता हूँ शाम को. अभी बोला ना शाम को आता हूँ. इसे भी ले आना. क्यों? ससुर है वो मेरा. जानते क्या उसके बारे में? बना वो सिंसियर लड़की है. सिंसियर अकेली है दुनिया में? बना इसने कहा तो मैंने सोचा कि इसने बोला और तूने सेकंड किया. तू सुबह आई थी मिलने? हाँ लेटी थी बगल में. ये तो है ही चूतिया. तू उससे बड़ा है. बच्चे के सामने प्लीज गाली मत दीजिए. आप अंदर जाइए. आपको प्रॉब्लम है तो आप अंदर जाइए. एक बात गांठ बांध ले. यूनिवर्सिटी में क्या होगा नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूंगा. कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? बना आप. कौन डिसाइड करेगा? जीएसबी आप ही बन जाइए. बना. बना आप छोड़िए ना दिलीप को हम पे. आप कोई दूसरा काम देखिए ना. और वो छोरी? मिलना ही तो है. कौन सा रख रहे हैं? तुम्हें पता है वो डुकी बना किस टाइप का आदमी है? ये उस टाइप का आदमी है जिसका साला अपनी बीवी के साथ ही नाजायज संबंध हो. मतलब? मतलब जो भी हो मुझे उसे नहीं मिलना है. किरण वो गुस्सा हो जाएंगे. तो डर लगता है तुम्हें उनसे? उन्होंने खुद कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं. खुद बोलेंगे अपनी गर्दन काट लो. काट लोगे? प्लीज किरण मेरे लिए. तुम्हारे लिए क्या मतलब? अरे आई टुक अ स्टैंड फॉर यू किरण. मैंने तुम्हारा नाम प्रपोज किया. तुमने कहा था तुम्हें बहुत कुछ करना है. और करना है, लेकिन तुम्हारे उनसे मिलना ये मेरे एजेंडा में नहीं है. तुम्हारे लिए भी नहीं. एंड आई एम सो सॉरी यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर मी. मैं कल जाके रिजाइन कर देती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. किरण किरण एक किरण. मैं तुम्हें डरपोक लगता हूँ? डरपोक होना बुरी बात नहीं है. साला चिकना, मैंने जब पहली बार देखा था तो मेरा भी मन किया था कि चूम लूं. चुप कर. अरे सच बता रहा हूं, इसने जिसे छुआ है उसे देखा है मैंने. बस कर अभी. मेरी बहन ही है. मैंने कब कहा कि छिनाल है?
ये भाटी जी कहाँ पे? अंदर कमरे। अंदर। भाटी। बना। दिलीप सा, आइए आइए। चश्मा कहाँ है? कॉन्टैक्ट लेंस लगाया बना। हैंडसम टाइप के लग रहे हो यार। खुद ही हटाया, मेम साहब ने हटवाया? आपने बुलाया था? हाँ बुलाया था, सुबह बुलाया था, लड़की को भी साथ में बुलाया था। यार हम भी इतने हार्डकोर नहीं है, हिटलर थोड़ी है, बोल देना चाहिए था। कब से हो रखा है? क्या बना? प्यार। 3 दिन बना। 3 दिन? 72 घंटे? बाप रे। शादी कब है? सोचा नहीं है बना अभी। हनीमून कब खत्म कर रहा है? जी नहीं, हनीमून खत्म हो गया तो कुछ काम भी कर लेते मेरे भाई, है ना? इतना बड़ा ताला लगा हुआ है जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस में 3 दिन से, कोई काम नहीं हो रहा है। फेस्टिवल सर पे है, स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी। स्पॉन्सर की तरफ बाप लेके आएगा भोसड़ी के? जितना बिस्तर तोड़ना है ना फेस्टिवल के बाद तोड़ना, समझ रहा है? और ये बचपना बंद कर, वरना यहीं पे खोद के पाट दूंगा तुझे, तेरा बाप निकाल नहीं पाएगा। क्या घूर कह रहा है? मजाक कर रहा हूं मैं? ये सब चूतिया है, दिन पर ढूंढ रहे ना तुम्हें, और कोई काम नहीं इनके पास। दिलीप, तेरी बीवी है ना पर्सनल सेक्रेटरी बने या कल्चर सेक्रेटरी, मुझे कोई मतलब नहीं है, काम करो। तू ऐसा नहीं मानेगा इधर देख। स्विट्जरलैंड से वापस आ जा। क्यों भड़काता है भाई बना को? देखो मजाक नहीं करता, उसे झांट फर्क नहीं पड़ता कि तू या जटवाल। वो देख बंदूक से मेंद गाड़ दिया, किसी को बोल मत दियो, अपनी उसको भी नहीं, समझ गया? वरना देख उसका तो कुछ नहीं होगा, सेनापति और राजपूतों का। हाँ तेरे मकबरे पे जरूर ताजमहल बन जाएगा। तुम चिंता मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ क्या करूँ। कुछ नहीं, बस अपना काम करो, अगली बार किसी ने कुछ कहा तो पलट कर दे देना। तुम जीएसओ यूनिवर्सिटी के कोई ऐसे ही नहीं हो, सारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ में है। कोई छुए कभी ना तो अस्तियत खोल दूंगी सालों की। अभी एनुअल फेस्टिवल है ना साल के आखिर में, मैं पैसे लाऊंगी, तुम आदर्श के पास जमा कर देना। जीएस का मतलब है 3 साल तक यूनिवर्सिटी का यूथ तुम्हारे हाथ में है, और वही उनको तुमसे चाहिए। और कौन कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें कमरे में नंगा बंद किया था? जड़वाल भी था ना? वो साथ थे, किशन मुरारी, संजीव कुमार, अल्ताफ, अशरफ, विजय गुप्ता, आशीष और जड़वाल। अरे इतना लो, पान खाओ, पान पान। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, चलो पान खाओ, चलो चलो उठाओ उठाओ उठाओ। सर मैं पान नहीं खाता। नहीं खाते? अरे पैसे नहीं देने, खा लो, खाओ, चलो चलो तुम उठाओ और उठाओ उठाओ। अरे खड़े मत रहो, पान ले गया हूं तुम्हारे लिए, उठाओ। सर थोड़ा चुना ले सकते? हाँ चुना है ना, लो चुना ले लो, सुपारी भी चाहिए तो ले लो। नहीं तू राजपुर से दिखाई नहीं देता, कहाँ से? साहब मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से तो सब है चूतिया, तू कहाँ से है? साहब ग्वालियर से। हाँ जड़वाल?
सब जड़वाल का पता नहीं सर। साहब हफ्ते भर से हमने किसी ने जड़वाल को नहीं देखा है। जड़वाल कहाँ है किसी को भी नहीं पता। तू जानता है? उसको पूछ जिसने उसका नाम लिया। दरोगा साहब कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। ये प्रसाद भैरव बाबा का आपके लिए। भैरव बाबा ये भभूत। बैठे बैठे ये सरकारी काम था। वो लड़का याद है आपको जड़वाल? कहाँ है पता नहीं। आपकी प्रॉपर्टी है चांदपुर में। वो बात दरअसल क्या है कि आप तो बना है लेकिन हमको तो कोई क्या है कि जब कह देता है तो पूछना पड़ता है और वो आना पड़ता है क्योंकि मेरी ड्यूटी। किसने बताया? कोई नहीं। दिलीप सिंह? नहीं नहीं वो तो अभी बच्चा है। वो क्या वो बच्चा किस बेवकूफ का आइडिया था उसे इलेक्शन में खड़ा करने का? किसका था? बना मेरा। तो ले जाओ इन्हें जड़वाल के पास। हाँ? जिंदा है? आइए। कहाँ ले जा रहे हैं? अरे जाइए तो सही, कुछ कर थोड़ी रहे हैं आपको। आओ, अरे आओ। पूरी फोर्स के साथ आया हूँ। चले गए वो लोग। क्या जा नीचे चल तू। सुनो तो चल, कोई कंफ्यूजन हुआ है। गणा कंफ्यूजन हुआ है तेरे से। पुलिस वाले बनना साथ से मिलने नहीं आ सकते क्या? चल, चल चुपचाप। अरे चल नीचे चल चल। अच्छा अच्छा धन्यवाद, आप लोग जाओ, मैं चल चल चला जाऊंगा। बड़ा तेरा पर्सनल अभी। चल नीचे। मैं भी करप्ट हो जाऊंगा। बोलोगे चलाना गोली क्या कर रहा है भाभी? इतना करप्ट हो जाऊंगा कि बनना साथ क्या कर रहा है तू? मारना गोली। गोली नहीं है, मारना। तू मार दे। चुप। क्या चाचा लगा रखिए? ठीक है मार लो, लेकिन एक लास्ट, ये वर्दी उतार लो, बहुत प्यार करता हूं इससे, कहीं खराब ना। वर्दी उतार के काट दो इसको। ये तोड़ गई, हम भी उड़े। अरे जाने देना यार, बाहर कितना कुछ चल रहा होगा। बना आपको मना किया है ना बाहर निकलने से? हाँ मुझे मालूम है, मैं भूल गया था, मैं इधर से चला जाता हूँ। कमरा उधर है। हाँ। मैं अकेला नहीं हूँ उस घर में, रास्ता भूल गया। चल रहे कितने? आठ बस। अभी तो बस यही है। बना ये सूरजगढ़ महाराज ने 15 भेजे हैं और सीमेंट फैक्ट्री के सेल का लास्ट ऑफर दिया 40 का। सिर्फ 40? बना मना कर दो। लेकिन बना मना कर दो। बना दिलीप आ रहा हूँ। जल्दी बाहर आओ। इतनी जल्दी है तो तुम अंदर आ जाओ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जल्दी बाहर आओ। मैंने तुम्हें 5 चेक दिए थे, 2-2 लाख के। हाँ। और 70,000 कैश। हाँ तो मैंने आदर्श को दे दिए थे। उसने बोला हमारे पैसे वाले अकाउंट में सिर्फ 2,70,000 है। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा है दिलीप। हेलो। हाँ आदर्श जी हैं। आप कौन? दिलीप। हाँ बुलाता हूँ। पूछता हूँ साले से, पक्का डूकी मना को पैसे दिए होंगे उसने। मैं उस बना की बचा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ? हेलो। हेलो। हाँ दिलीप बोल। हाँ मैंने आपको 10 लाख एक मिनट। किरण, किरण। हेलो। किरण भी है तेरे साथ? उसी ने कहा कि वो पैसे डूकी बना के पास है, पैसा पार्टी के लिए रखा है। आदर्श वो पैसे पार्टी के लिए नहीं है,
फेस्टिवल के लिए है, स्पॉन्सर्स के हैं। तुझे जो बात करनी है ना दुखी बना से कर। क्या हुआ? शी इज प्रेग्नेंट। क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना यूज प्रोटेक्शन। I don't want to get pregnant. दूसरा हरामजादा नहीं पैदा करना मुझे। किरण मैं क्या क्या कर लोगे तुम? Bloody irresponsible son of a bitch, क्या किया तुमने? जानबूझकर तो नहीं किया ना? अपने आप हो गया। हर बात तुम्हें मजाक लगती है। किरण इसे क्या फर्क पड़ेगा, लड़का है ना। अच्छा भाई पर मत हो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना, मेरे साथ हुआ है। तुम्हें पक्का है तुम प्रेग्नेंट हो? दिलीप कैसी बातें कर रहे हो तुम, उसके चम्स नहीं हुए हैं। आई हेट यू दिलीप। दिलीप इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। एक महीने का गर्भ है, गिराना है, कब तक हो जाएगा? आज हो सकता है। मैं आता हूं। क्या क्या पूछेगा डुकी बना से तू? हाँ बोलो दिलीप। बनाओ बाकी के 8 लाख कहाँ हैं? मतलब जो फेस्टिवल के पैसे थे उसमें से 8 लाख आपने रख लिए? हाँ तो अभी किससे सवाल पूछ रहा है? बनाओ फेस्टिवल के पैसे थे, स्पॉन्सर्स के पैसे थे, खर्च हो गए। खर्च हो गए मतलब? खर्च हो गए मतलब खर्च हो गए, और क्या मतलब होता है? बनाओ आपके अयाशी के पैसे नहीं थे। ए दिलीप, ए तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे पैसे थे? हम्म, तूने लाए थे पैसे? साला इतना क्यों चुप रहा है? तेरे थे क्या पैसे? देखनी है मेरी अयाशी? हम्म, किस कोटे पे जाता हूं, कहां पैसे उड़ाता हूं, कौन सा राग लाता हूं, देखनी है? लेके चलो इसको। बना नहीं दिखाते इसको विश्वस्वरूप। नहीं बना, चल दिलीप। आ आ चल। जाना बे, इज्जत नहीं लूटेंगे तेरी। आजा अंदर, आना कमीज उतार ये पहन ले। हमारे पास सिर्फ 92 करोड़ की पूंजी है, सेना की गिनती है 1126। वाह, इससे बवंडर तो क्या हवा तक पैदा नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऐसे चलता रहा तो गंतव्य तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। तब तक हमारी क्रांति दबी रहेगी जमीन में, सुसेफ सुरक्षित। और यहां करणगढ़ के राजा अपने बेटे को विलायत भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पोजड़ी का, ऊपर से हल्ला बोल खर्चा भी कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने बेटों को अपने पोतों को इस क्रांति में शामिल नहीं करोगे तो क्या क्रांतिकारी मैं कश्मीर से उधार ले आऊं? अपने अपने चूतरों पे टिके रहने से क्रांति नहीं आएगी, यहां इकट्ठा होने से क्रांति नहीं आएगी। क्रांति चाहिए ना तो चेहरे पर गुलाल नहीं खून की लाली मलनी पड़ेगी, अपने खजाने खाली करने पड़ेंगे। असली क्रांति चाहिए तो ये लाल रंग हटाकर असली चेहरे लेकर सामने आओ, वरना बंद करो ये ढोंग। जय राजपुताना। मैं कौन हूं? पृथ्वी बना। कैसे पहचाना? बना फिर तो तू जितने गुलाल वाले हैं सबको पहचानता होगा।
तो फिर गुलाल लगाने का फायदा क्या हुआ? नहीं, बोल बोल बोल। देख मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। क्या? ये तो हुआ मुंह पे वाले गुलाल। नहीं सारे एक जैसे लगोगे तभी तो होगी ना एकता। एकता राजपूताना। चल बे, सबसे पहले इन सबको नंगा करके धूप में खड़ा करो। चल, यहां मैं अपना पिछवाड़ा घिस रहा हूं पैसों के लिए, और ये लोग अपने अपने चूतड़ों पे बैठे हुए सबके सब बुत बने हुए साले। बूढ़ी हड्डियां क्रांति नहीं ला सकती है, ये समझ लो। खुदी को कर बुलंद इतना कि तू हिमालय पे जा पहुंचे, और खुदा खुद तुझसे ये पूछे अबे लैकट उतरेगा कैसे। तुम भी गए थे? जी। अच्छा नहीं लगा? ये सब करके क्या मिलेगा इनको? उन्हीं से पूछो ना जो ले गए थे। अब भी चाहिए तुझे पैसे? ये सब मेरे से नहीं होगा बना। क्या? मैं यहां पढ़ने आया था। तो मैं चलता हूं। तू असली राजपूत की गोला है बे, तुझसे बात कर रहा हूं। मुंह इधर कर। गलती मेरी है, मैंने सर पे चढ़ा रखा है इसको। ये लोग बोल रहे थे कि तू चूतिया है। मना, जो आप कर रहे हो क्रांति नहीं पागलपन है। राजस्थान सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं है। के? ये किसने सिखाया इसको? सरकारी भाषा में बात मत कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। क्या गारंटी है कि आप लोग फिर से नहीं लड़ेंगे राजपूताना मिलने पर? फिर से मेवाड़ मारवाड़ जोधपुर जैसलमेर? कोई गारंटी नहीं है। आ जा आ जा, वीर हो गया वसुंधरा, जाने कब से हो गया। आ जा जा यहां, सेट करते हैं। देख, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो मैं इसे मार दूंगा बड़ा। रुक, उसको हाथ नहीं लगाएगा, उसको हाथ नहीं लगाएगा। हेड पे रख, हेड छोड़। मैंने छोड़ सक, मैंने कहा छोड़ सक। उसको हाथ नहीं लगाएगा कोई। साला हक से लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, और कोई बीच में आ जा साला। मैं ले जाऊंगा राजपूताना। ताल बजे, ताल ताल दे। लिखा है खाने वाले का नाम, खाने खाने पर लिखा है पचाने वाले का नाम है सेल है, सेल है। एकदम एकदम पच्चीस ले लो, आराम ले लो, जाब ले लो, गुलाम ले लो। चाहिए डुकी तुझे? चाहिए सेल है, सेल है। धर्म अफीम, तू उसका नीम हकीम, तेरी माँ का मियाँ तेरा बाप है, अबे साबित कैसे कर पाएगा बे? सेल है, सेल है, सेल नहीं, सेल नहीं, सेल नहीं, सेल नहीं। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। नहीं, मेरी बंदूक टेक। बना बस। अपने बंदूकों का इस्तेमाल क्या करो? चल बैक। मेरे पुरखों ने खून बहाया है इस धरती के लिए, बलिदान दिया है भैंस साले। तू मुझे मेरी क्रांति सिखाएगा? पढ़ना है ना, इतिहास पढ़ साला। कभी जस्टिस नहीं हुआ हमारे साथ, धोखा हुआ है, धोखा। किसी लड़की को पकड़ उसके आश्रम में घुस जा, यही बस बेस्ट है तेरे लिए। बनो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो, ये दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परसीना उठाएंगे, लेकिन दुर्योधन, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की दे न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। टकमक टकमक दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। ये
देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल में लय है संसार, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, ये देख जगत का आदि अंत, ये देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, जान कहा इसमें तू है, समझा टुके हो गया आप क्रियाकर्म की तैयारी करो उसकी। मना क्यों करते हो ऐसा, डर नहीं लगता आपको? ना खुदा को गर्दिश तूफान से डरना चाहिए, मेरा क्या, मैं ना खुदा की नाक में घुस जाऊंगा। माधुरी कौन है? क्या माधुरी कौन है बताइए, माधुरी कौन है? पीट कर भागिए मत, सवाल का जवाब दीजिए, जवाब चाहिए मुझे, बताइए ना कौन है माधुरी, मैं जानना चाहता हूं। माधुरी वो है जो आप कभी हो नहीं सकती, दिमाग मत खराब कीजिए आप। किरण वो तो चली गई, उनका भाई आया था, डॉक्टर्स ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, किरण ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। हेलो, ये किरण के घर का नंबर है जी, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? दिलीप आया है। तुम जीएस? तुमने रिजाइन किया, मैंने हाँ कर दी। तुमने बताया नहीं किरण, तुम्हें पता नहीं ये लोग? दिलीप कोई काम की बात है तो बोलो, बहुत काम करना अभी। हम अकेले में बात कर सकते हैं? नहीं किरण, आई एम सॉरी किरण, आगे से नहीं होगा ऐसे, प्लीज गुस्सा मत होना। दिलीप तुम जाओ, इज्जत से जाओगे अच्छा रहेगा। एक मिनट यार किरण, चल 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 बाहर चल। रणसा के चेहरे पे गुलाल क्यों लगाया था? चढ़वाल ने लगाया था। क्यों? वो आपने कुछ बोला था ना मुरारी को, आप उसे चौराहे पे टांग दोगे। नजीबुल्ला को टांगा था काबुल में। आपकी बात का जवाब देना चाहता था। तुम्हारी चिता भी उसी दिन जल गई होती जिस दिन तुम्हारे दादा को आग दी थी हमने। तुम लोग यहां हो सिर्फ राजा साहब की वजह से, याद रखना। जैसे दूर देश के
जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। राणा जी मारे गुस्से में आए, ऐसो बल खाए अगिया बरसाए, घबराए मारो चैन। जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। जैसे सरेआम भई, जैसे सरेआम इराक में जाके जम गए अंकल सैम, जैसे सरेआम इराक में जाके जम गए अंकल सैम। राणा जी मारे नद के ताने, राणा जी मारे जेठ ससुर के बानी, राणा जी थापे भूत परत की छाया, राणा जी थापे इल बिल जिन कसाया। हे सजनी को डियर बोले, थर्रे को बियर बोले, मांगे है इंग्लिश बोली, मांगे है इंग्लिश चोली, मांगे है इंग्लिश जयपुर इंग्लिश बीकानेर। जैसे बिस्लेरी की, जैसे बिस्लेरी की बोतल पी के बन गए इंग्लिश मैन, जैसे बिस्लेरी की बोतल पी के बन गए इंग्लिश मैन। राणा जी मारे जी मारे सौतन को घर ले आए, राणा जी मारे सौतन को घर ले आए, पूछे तो बोले फ्रेंड हमारी है हाय, पूछे तो बोले फ्रेंड हमारी है हाय। राणा जी ने ठंडा चक्कू यू खोला, बोले के हाय ठंडा माने कोका कोला, बोले के हाय ठंडा माने कोका कोला। राणा जी बोले मोरों की बस्ती में है शोर रानी, हाय 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 हाय। मोरों की बस्ती में है शोर राणे, हाय हाय हाय। मोरों की बस्ती में है शोर राणे, क्योंकि ये दिल मांगे मोर मोर राणे। जैसे हर एक बात पे, जैसे हर एक बात पे डेमोक्रेसी में लगने लग गयो बैन, जैसे हर एक बात पे डेमोक्रेसी में लगने लग गयो बैन। जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन, जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। जैसे सरे आम इराक में जाके जम गए अंकल सैम, जैसे सरे आम इराक में जाके जम गए अंकल सैम। जैसे बिना बाद अफगानिस्तान का, जैसे बिना बाद अफगानिस्तान का बन गए भैया बैंड, जैसे बिना बाद अफगानिस्तान का बन गए भैया बैंड। जैसे दूर देश के टावर में घुस जाए रे एरोप्लेन। ये चाबी कहाँ है यार? ऐसा क्या देख रहा है? अब क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं है, कर देते अगर मैं नहीं आता तो। अबे तू क्या समझ के रखा मुझे? बना वो दिलीप उतना चुतिया है नहीं जितना इस लड़की ने बनने पे मजबूर कर दिया। ये गेम वो खेल रही है, आपने वो आपको बना रही है और आप बन रहे हो। वो हनीफ ने चाबी कहाँ रख दी गाड़ी की यार?
आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो? अरे मैं सुन जानता हूँ, वो क्या है क्या नहीं जानता हूँ मैं, समझाने की जरूरत नहीं। चाबी देखी तूने? पहले बोले में तकलीफ हो रही थी क्या? बोला था पर आप सुनते कहाँ? बहुत अच्छा नाची तू आज, हाँ घर छोड़ के आज। कौन है वो लड़की? अरे बहुत खतरनाक छोरी है सा, मना समझ नहीं रहे? अभी वो सेनापति है, अब कल को वो हरामजादा करण भी हो सकता है। कौन करण? अरे वो जो आया था उस छोरी के साथ, उसका भाई। वो भी बना है? है नहीं तो हो जाएगा, बना बनने के लिए उसी ने मारा था रणसा को। ये सिर्फ पैदाइशी हरामजादे नहीं है, आप भी समझाइए बना को। वो कहां सुनेगा मेरी? सुनना पड़ेगा नहीं तो जाएंगे बना आपके हाथ से। अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचा होता ना अभी, तो वो ले चुकी थी बना को अपनी जांगों के बीच में। आइए सर। अरे हनीफ। हाँ भाई सर। बना की गाड़ी यहाँ खड़ी? हाँ जी, वो तो किरण जी के साथ उनकी गाड़ी में गए ना। चल बॉबी आ जा। हरामी साला। क्या हुआ सा? ए भाटी जी इधर देख। जी सा। क्या मैं तब मुझे सी दिखती हूँ? आप लगते हो सा। सच बोल रहे हैं ना? हाँ सा। फिर ऐसे क्या है किरण में? क्या वो मेरे जैसे नाच सकती है, प्यार कर सकती है मेरे जैसा, मार खा सकती है? फिर ऐसे क्या है उसमें? चल आगे देख। वो तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी दिलीप। She's just angry because I got her pregnant. ड्यूकी बना और आदर्श उसे भड़का रहे हैं, मुझे नहीं फंसा पाए तो उसे फंसा रहे हैं। किरण को आइडिया नहीं वो किस टाइप के आदमी है। You know you love her so much that you don't see her. उसको सब पता है। वो बहुत सीधी है। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी दिलीप। कहाँ जा रहे हो? क्या कहा था तुमने उसको? किसे? किरण से। हाँ हॉस्पिटल में क्या कहा था तुमने उसको कि वो चली गई? तुमको उसका मेरे साथ रहना ठीक नहीं लगता था ना? वो ठीक नहीं मेरे लिए तो कौन ठीक है? तुम इधर रह के बात करो। वो ठीक नहीं मेरे लिए तो कौन ठीक है? कौन ठीक है? सोई नहीं क्या? आपका इंतजार कर रही थी। माधुरी के यहां भी गई थी, आप वहां भी नहीं थे। क्या करने गई थी वहां? आपसे मिलने। कल छोटी दिवाली थी ना,
तो मन में बड़े पटाखे फूट रहे थे, सोचा एक बम मैं भी फोड़ लूं। भंवर, चल चाय बना। अनुजा जी चली गई। तो मैं क्या करूं? मैं भी जा रहा हूं। तो जाना, एहसान कर रहा बताकर। रात को बोल नहीं सका, लेकिन बिट्टू साहब मैं 5 साल का था जब आप पैदा हुए थे। आपके पिताजी भाई साहब से ज्यादा अगर किसी ने आपको समझा तो वो ये थी अनुजा जी, आपकी कमजोरी के साथ आपको अपनाया था। उनका कुछ नहीं गया, गया आपका। आपको वो लोग चाहिए थे जो आपको बदलना चाहते थे। देखो क्या बना दिया आपको, लेकिन आप जैसे भी थे अनुजा जी को अच्छे लगते थे। उसी ने मरवाया है तुम्हारे दोस्त रणसा को, वो भी उसी राजा की बेटी है। साली औरत नहीं, रांड है। गाली मत दे उसको। तुझे भरोसा नहीं है ना, तो खुद जाकर देख ले कैसे चिपकी रहती है डुक्की बना से। ये देख, अरे देख ना, ये मेकअप नहीं करवा कर आई हूँ मैं, उस हरामी डुक्की ने मारा है उस हरामजादी की वजह से। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो खुद जाकर देख ले, तुझे रणसा की कसम। अरे अरे सूखा जा रहा है, अरे रुक मेरी बात तो सुनना, अरे मेरी बात तो सुनता जा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साला। क्या सुरीला वो जहां था, हमारे हाथों में रंगीन गुब्बारे थे और दिल में महकता समा था। वो तो ख्वाबों की थी दुनिया, वो किताबों की थी दुनिया, सांस में थे मचलते हुए जलजले, आंख में वो सुहाना लगता था। वो जमीन थी आसमां था हमको, लेकिन क्या पता था हम खड़े थे जहां पर उसी के किनारे पे गहरा संधा कुआं था। फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर, बोले फेंको ये किताबें और संभालो ये जला है जो गहरा बाकुआ है। हाँ हाँ अंधा तो नहीं है, इस कुएं में है खजाना, कल की दुनिया तो यही है। कूद जाओ एक खंजर काट डालो, जो हो अंदर तुम ही हो शिवाजी। मुझे किरण से बात करनी है। वो यहाँ नहीं है, बुलाओ उसे। बुलाओ उसे। नहीं बुलाऊंगा। राजस्थान में हर्षोल्लास का दिन है, स्वतंत्रता पार्टी की विजय हुई है और आज उनके सभी राजा राजकुमार चुनाव जीतकर वापस। बना, बना, चिंता मत बना भाटे, बना, मरा नहीं होगा सर। भाटी बात करो से। ये क्या? भाटी किरण से बात करनी है मुझे। तू पागल हो गया क्या? भाटी बात करो से। हाँ मैं कर रहा हूँ। मुझे किरण से बात करनी है। बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। अभी अभी मुझे कहीं नहीं जाना, आपके सामने बात करनी है। हाँ मैं चलता हूँ। जा, फोन कर। तू कहीं नहीं जाएगा। भाटी, चुप रहो। तू कहाँ? आप ही के कारण हो रहा है। भाटी, तुम्हारे मना किया तो उस लड़की से मिलने के लिए। भाटी, फोन करो से। मैं जा रहा हूँ, बुला रहा हूँ। जा, जा, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। वो तुझसे प्यार नहीं करती है बे। उसे पता नहीं है
बच्चे जैसी बातें मत कर। आपने उसे मुझे दूर किया है। रणसा को उसी ने मरवाया है। करण ने मरवाया उसको, वो भी इस्तेमाल कर रहा है उसका। The President of the United States of America. What you bosses have done in the Middle East? Bana. We are not able to celebrate our Diwali because of the bad oil. Bana. You Bana. Have Bana. Taken the entire oil well. Bana. 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 Hello. Abhi Sanjeev. हाँ सुन, देखो लड़के ना क्या नाम उसका, किरण। हाँ, उसको बोल के डुक्की बना के आप फोन करें जल्दी। मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, तेरा भी, समझ गया ना? जल्दी फोन कर। I am a senior Cambridge student and don't try to teach me what America. क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही थोड़ा सा। आप पूछा कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहाँ है? ये नीचे, एक मिनट। किसी को भी बाहर मत निकलने दियो, समझ गया? कोई भी बाहर नहीं आएगा, समझ गया? जब तक मैं वापस नहीं आता। सब डरपोक है, किसी में मत नहीं है सामने आने की। अगर डुकी मर गया तो इनके पास कोई नहीं है जो इनका सेनापति बन सके, और मुझे सेनापति बनाने के लिए इन्हें दादा का नाम देना ही पड़ेगा। जब तक वो भाटी बीच में है, डुकी को मारना मुश्किल है। फिलिप, फिलिप जी फोन पे बात कर ले, फोन पे आ रही है। मुझे फोन पे बात नहीं करनी है, आपके सामने बात करनी है। हाँ तो कर लेना बात, यार तब तक वो यहाँ की बना के जान चली जाएगी यार। भाटियों से बोल यहाँ आने को, भाटियों से बोल यहाँ आने को, उसे बोल यहाँ आने को। उसे यहाँ बुला के क्या करेगा भाई? कन्यादान करवाएगा उसका। भाटी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हेलो, एक मिनट। भाटी का फोन है, डुकी बना को किरण शाह से बात करनी है। उसको बोल मिल नहीं रही। किरण मिल नहीं रही है। ठीक है, भाटी यूनियन ऑफिस आ रहा है। तुझे पता है कितना गुस्सा सो चुकी है वो? मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो सोचता बहुत है साला, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि उसने तेरा इस्तेमाल किया। करण ने करवाया आपकी वजह से। मेरी वजह से? क्या जरूरत थी आपको रंसा को इलेक्शंस में खड़ा करने की? अबे मेरे डिसीजन मेरा नहीं था, राजा साहब का था। कौन राजा साहब बना? इस आईएनएस मृत्युंजय सिंह, राजपुताने के फाउंडर, रंसा के दादा। उन्होंने भी वही गलती की जो हमारी दादा ने पृथ्वी बना के साथ किया। स्कूल पढ़ने इंग्लैंड भेजा, जॉन लेनन के गार्ड में। जितनी बुरी तरह से तुझे किरण चाहिए ना, दिलीप, उससे बुरी तरह मुझे राजपुताना चाहिए। बे अगर मैं जाकर पुलिस को सब बता देता तो? तू नहीं बताता। क्यों? तो अच्छा आदमी है। जब मैं जड़वाल को काट सकता हूं, तेरा मैं क्या हाल करता? पानी पिलाएगा? पर्स के ऊपर लगे प्रतिबंध के बाद ये दूसरे पूर्व ठिकानेदार की आत्महत्या है, जिन्होंने खुद को गोली मारने से पहले अपने संबंधी को कहा था कि इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा दरअसल प्रीवी पर्स की राजनीति को।
संजीव, 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 मैं देख कर आता हूं। संजीव, मुझे बात करनी है किरण, अकेले में। तुम पागल हो गए दिलीप। मैं पागल नहीं हुआ किरण, तुमने मुझे पागल कर दिया। तुमने 2 मिनट के लिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती दिलीप। तुम झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम झूठ बुलवाना चाह रहे हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? नहीं करती थी। फिर वो सब क्या था? कुछ नहीं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं था किरण, मेरे सब कुछ था। बंदूक नीचे करो दिलीप। दिलीप तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ मुझे। मैं जीएस बनना चाहती थी। सिर्फ इसलिए जीएस बनने के लिए? मुझसे बोलकर तो देखती। ये तुम आज बोल रहे हो दिलीप। इतना आसान है तो तुम्हारे रिजाइन करना? डुकी कभी करने नहीं देता। मुझसे बोल कर तो देखती किरण, डुकी का उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता था। तुम कुछ भी करते वो मुझे नहीं बनने देता जीएस। किरण उसकी वजह से तुम जीएस हो आज। हाँ, क्योंकि वो कुछ भी करेगा आज मेरे लिए। तुमने डुकी तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तुमको, आदर्श को और किस किस का नाम जानना चाहते हो? आदर्श, तुम्हें क्या मालूम कैसा लगता है जब सब हंसते हैं तुम्हारे ऊपर? गोला बोलते हैं तुम्हारी माँ को, राजा सबकी रखेल बोलते हैं। रंसा तुम्हारा भाई था? वो बस मेरे बाप का बेटा था। मेरा सिर्फ एक ही भाई है। किरण वही भाई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। किरण सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं सबका इस्तेमाल नहीं कर रही? किरण तुम भी मेरे साथ चलोगी? गन नीचे करो दिलीप, गन नीचे करो दिलीप। जाओ यहां से, जाओ। के प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया, सुरमई आंखों के प्यालों की दुनिया, ओ दुनिया, सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया, सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, ओ दुनिया, अलसाई से जो के फूलों की दुनिया, ओ दुनिया रे, अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, ओ दुनिया रे, करवट ले सुई हकीकत की दुनिया, ओ दुनिया, दीवानी होती तबीयत की दुनिया, ओ दुनिया, ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, ओ दुनिया रे, इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, ओ दुनिया, और दुनिया, और दुनिया,
जाए तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है। ममता की बिखरी कहानी की दुनिया, ओ दुनिया, बहनों की सिसकी जवानी की दुनिया, ओ दुनिया, आदम के हवा से रिश्ते की दुनिया, ओ दुनिया रे, शायर के फीके लफ्जों की दुनिया, ओ दुनिया, गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, फैज फिराकों साहिर मखदूम मीर की जौक की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, कटपिट के रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया, और दुनिया और दुनिया। ये क्रांति नहीं रुक सकती, हमारी क्रांति को यहाँ से गंतव्य तक पहुँचाने के लिए हमने नया सेनापति चुना है। और भी है ये हम ही नहीं है वहाँ, और भी है हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी, वालिम है फाजिल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो वो कहते हैं, आलिम ये कहता हुआ ईश्वर है, फाजिल ये कहता हुआ अल्लाह है, मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तू ही संभालो ये दुनिया, ये बुझते हुए चंद बासी चराओ तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। ओरी दुनिया, ओरी दुनिया। रात के मुसाफिर तू भागना संभल के, पोटली में तेरी हो आगना संभल के, रात
के मुसाफिर तू भाग ना संभल के, पोटली में तैरी हो आग ना संभल के, रात के मुसाफिर चल तो तू पड़ा है फासला बड़ा है, जान ले अंधेरे के सर पे खून चढ़ा है, चल तो तू पड़ा है फासला बड़ा है, जान ले अंधेरे के सर पे खून चढ़ा है, मुकाम खोज ले तू मकान खोज ले तू, इंसान के शहर में इंसान खोज ले तू, देख तेरी ठोकर से राह का वो पत्थर, माथे पे तेरे कसके लग जाए ना उछल के, ओ रात के मुसाफिर तू भाग ना संभल के, पोटली में तेरी आग ना संभल के, ओ रात के मुसाफिर माना कि जो हुआ है वो तूने भी किया है, इन्होंने भी किया है उन्होंने भी किया है, माना कि तूने हाँ हाँ चाहा नहीं था लेकिन तू जानता नहीं कि ये कैसे हो गया है, लेकिन तू फिर भी सुन ले नहीं सुनेगा कोई, तुझे ये सारी दुनिया खा जाएगी निगल के, तुझे ये सारी दुनिया खा जाएगी निगल के, रात के मुसाफिर तू भाग ना संभल के, पोटली में तेरी हो आग ना संभल के, रात के मुसाफिर तू भाग ना संभल के, पोटली में तेरी हो आग ना संभल के, रात के मुसाफिर मुसाफिर तू भाग ना संभल के, तू पोटली में तेरी हो आग ना संभल के, मुसाफिर।